चौथा प्रश्न देखते हैं। यहां पर ये वी नहीं होना चाहिए। इसको ऐसे दो संख्या में तोड़ना है जिसमें एक संख्या का घनमूल आ जाए, तो जाहिर सी बात है कि 1 होना चाहिए, लेकिन हम इसको बटे में कर लें तो बढ़िया है। तो पहले हम इसको बटे में करते हैं, 0.009 ओवर, दशमलव की जगह एक रखेंगे, वहां की जितने अंक हैं वहां 0 उतने रख देंगे, और पावर वही लगा देंगे, ये हट जाएगा। जैसे ही यहाँ इतना आएगा ये दशमलव हट जाएगा, 9/10³। जितने 0 उतनी ही पावर 10 की। अब हमें इसके दो टुकड़े करने हैं जिनका जिसमें एक का घनमूल आ जाए, तो इसका तो आ ही जाएगा, इसकी बात करते हैं। तो 9 है तो 8 का घनमूल आ जाता है जो इसके पास में है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ 0.009 की पावर 1/3 बराबर किसके आएगा, 8/10³ प्लस 1/10³ और 1/3। अब हम यहाँ इसे एक्स मानेंगे, इसे डेल्टा एक्स माना, एक्स बराबर 8/10³, डेल्टा एक्स बराबर 1/10³। अब हमारी ये संख्याएं तो आ गई, लेकिन हम इसका संगत फलन मानेंगे। फिर से माना y बराबर x^3 dy/dx निकालते हैं, 1/3 x^3 -1 यानी 2/3। हम ऐसे नीचे ही लिख लेते हैं सीधे, थोड़ा डायरेक्ट करके। अब dy/dx एट द पॉइंट x^8/10³, ये बिंदु पे निकालेंगे तो हमें ये रेट ऑफ चेंजिंग इन वेरिएबल मिल जाएगा 1/3, और 8/10³ की पावर 2/3 मतलब 1/3 गुणा घनमूल निकालेंगे तो 2/10 आएगा, पहले तो घनमूल ही निकलेगा, फिर इसका वर्ग करेंगे, यही तो होगा हमारा। दो बटे तीन तो इसका 2 आएगा, इसका 10 आएगा, 2/10 और उसका वर्ग करेंगे तो ये 4/100 आ जाएगा, 4/100 यानी 100/12। तो dy/dx एट द पॉइंट x^8/10³, ये मान कितना आया हमारा, 12/100 यानी 100/12 जो भी है। अब डेल्टा वाई निकालना है, डेल्टा वाई आएगा डेल्टा एक्स इंटू dy/dx, जो भी ये मान निकाला है वही रखेंगे, तो 1/10³ एक्स डेल्टा एक्स का मान आ गया, और 100/12 तो 10³ का मतलब 1000 है, और 100 ऊपर है तो नीचे 10 बचेंगे, 10 × 12 120 है, हमारा ये मान आ गया है 120। वाई का मान
वाई का मान जो हमने फंक्शन माना है ये इसमें रख देंगे, तो 8/10 की पावर 3 पावर हो जाएगा 1/3, घनमूल करेंगे तो 8 का 2 और ये 10। वाई का मान 2/10 है तो वाई प्लस डेल्टा वाई निकाल लेंगे, तो वाई का मान 2/10 माइनस 1/120 माइनस के प्लस आएगा 120 एलसीएम, 12 × 24 प्लस 1 यानी 25/120 और इसका मान आ जाएगा 0.2083 0.2083। वास्तव में यही डी वाई, ये वाई प्लस डेल्टा वाई ही तो है ये भी, तो यहां पर लिख सकते हैं अतः वाई प्लस डेल्टा वाई ये आया है, तो ये वाई प्लस डेल्टा वाई बराबर ही तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/3 है, अर्थात इसकी पावर 1/3 है, तो 0.009 की पावर 1/3 का मतलब ये हुआ 0.2083। वैसे हमें समीकरण 1 बना लेना चाहिए था, फिर मान रखना चाहिए था। अगले सभी प्रश्नों में ऐसा ही है।